एक चम्मच हल्दी में मिलाकर लगा लें ये चीज, सफेद बाल जड़ से हो जाएंगे काले, कभी नहीं लगाना पड़ेगा कलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बालों का सफेद होना आज एक समय में एक ऐसी समस्या बन गया है जिससे अमूमन लोग परेशान हैं। पुराने समय में बालों के सफेद होने की उम्रदराज लोगों की निशानी माना जाता था, लेकिन आज के समय में इस बात पर अमल करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। दरअसल इसका कारण यह है कि आज के समय में टीनेजर से लेकर बच्चों और सभी के बाल सफेद हो रहे हैं, जिसकी एक वजह केमिकल युक्त चीजों का इस्तेमाल, जेनेटिक और आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान। ये तो हुई बालों की सफेद होने की वजह। अब बात करें इससे छुटकारा पाने की वजह। इनको छुपाने के लिए लोग मेहंदी, हेयर डाई और हेयर कलर जैसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाल काले तो होते हैं लेकिन ये बालों को डैमेज भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि इनको लगाने के बाद बाल और तेजी से सफेद होते हैं। अगर आप अपने बालों का ऐसा हाल नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर होगा इसके लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाएं। आज हम आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जो बालों को जड़ों से काला करने में मदद करेगा और साथ ही इसकी शाइनिंग भी बनाएगा। बालों को काला करने के लिए आपको जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं, इसके लिए आपको सारी चीजें अपने किचन में ही मिल जाएंगी। आपको कुछ भी बाहर से जाकर नहीं लाना होगा। बालों को काला करने के लिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए आंवला का पाउडर और हल्दी। इसके लिए आप 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच हल्दी लीजिए। अब इन दोनों चीजों को लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है। इन दोनों चीजों को आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक इनका रंग काला ना हो जाए। एक बार काला हो जाने के बाद इसे एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। अब आप इस पाउडर में एलोवेरा जेल को डालकर मिक्स कर लें और अपने बालों की जड़ों से लेकर सिर तक इसे अच्छे से लगा लें। इसको बालों पर आधे से 1 घंटे तक लगा रहने दें। बाद में